ये कहानी है तीन अनपढ़ सन्यासियों की। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दिमाग परमात्मा के प्रति अलग तरीके से खुल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि धार्मिक होना क्या होता है और आध्यात्मिक होना क्या होता है, कैसे आपकी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचती है। जी हाँ, तो ये कहानी है तीन अनपढ़ सन्यासियों की जो खुद को कोई सन्यासी मानते ही नहीं थे। बिल्कुल सहज सरल वो प्रार्थना करते थे और बस अपना दैनिक कर्म करते थे। ये कहानी है रोमन राजतंत्र के समय की। जी हाँ, उस समय सम्राट हुआ करते थे और चर्च हुआ करते थे। तो जो चर्च में प्रार्थना करते थे वो पादरी तक एक खबर आने लगी कि कहीं दूर नदी के उस पार कुछ सन्यासी हैं जो प्रार्थना करते हैं, और आजकल चर्च के लोग वहां प्रार्थना करने जाने लगे। चर्च के पादरी को बड़ा हैरानी हुआ, अरे ये कल के आए कौन है भाई जो चर्च से अलग होकर अपनी अलग धर्म शुरू कर रहे हैं। फिर बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ समय बाद दिखाया जाने लगा कि चर्च में लोग आने कम होते जा रहे हैं। पहले लोगों की भीड़ हुआ करती थी, अब लोग कम आने लगे और ज्यादातर लोग उन तीन अनपढ़ सन्यासियों के पास जाने लगे। तो जो हमारे फादरी हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये तो बिल्कुल धर्म के अनुरूप नहीं हो रहा, धर्म के खिलाफ हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो पूरे अपने साज सज्जे के साथ, अपनी सेना के साथ, अपने पूरे बाजे गाजे के साथ उन सन्यासियों के पास अपने बड़े से नाव में बैठकर पहुंचे कि आज इन्हें दिखाया जाए कि ये कौन है और ये ऐसा क्या कर रहे हैं, जरा हम इनको समझे। तो और वो जा करके उन सन्यासियों से गए और बात किया और बोला, क्यों भाई तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसी क्या प्रार्थना कर रहे हो, लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो, क्यों तुम झूठा वो चमत्कार दिखा के इन लोगों को ऐसा कर रहे हो। वो जो तीन अनपढ़ सन्यासी थे वो अपने काम में मशरूक थे। जैसे ही उन्होंने इनकी बात सुनी वो घबरा गए, घबरा कर बिल्कुल उनके सामने सरेंडर कर दिया, हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए कि इतने बड़े चर्च के फादरी हमारे पास आए हैं और हमने डांट लगा रहे जबकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बड़े साहब, हम कोई सन्यासी नहीं हैं, हम कोई प्रार्थना नहीं करते, हम तो बस अपना काम करते हैं, हम कहाँ अनपढ़ गंवार, हमें प्रार्थना करने आता भी नहीं, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, यहाँ टोकरी बनाने का हमारा काम है, हम वही करते हैं, लोग आते हैं अपनी बातें कहते हैं और हमारे साथ जो हम बोलते हैं उसे वो दोहरा लेते हैं और बस इतने में ही उनका काम बन जाता है। अब भगवान जाने कैसे उनका काम बनता है, परमेश्वर जाने उनका काम कैसे बनता है, हम कुछ नहीं करते, हम तो आपके सामने बहुत छोटे हैं, आप कितने बड़े हैं, जब हमारी हम छोटे मोटे लोगों की प्रार्थना से ऐसा होता है तो आप तो बहुत महान इंसान है हमारे सामने। ये सुनना था कि पादरी का जो अहम है, जो ईगो है, एकदम तृप्त हो गया और बोले, देखा इनको मैंने समझा दिया ना, इनको इनकी इनका स्तर, इनका ओहदा समझा दिया ना, चलो अब से ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम चलते हैं। बस ये सोचकर वो मुड़ गए और चलते चलते उनको ध्यान आया कि आखिर ये ऐसी क्या प्रार्थना करते हैं, जरा सुनूं तो, क्योंकि हम फादरी चर्च में इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं, इतनी लिखी हुई सही सटीक प्रार्थना करते हैं तो जाके कहीं मुश्किल से प्रार्थना हमारी सुनी जाती है, कभी कभी नहीं सुनी जाती, और ये ऐसा क्या प्रार्थना करते हैं जो इनका काम बन रहा है, जरा मैं सुनूं तो सही। तो वो पलटे और उनसे यही बात बोले, भाई तुम प्रार्थना क्या करते हो हमें बताओ, हम सुने तो सही। वो बेचारे फिर घबरा गए, वो बोले कि हम तो अनपढ़ गंवार, हमें क्या प्रार्थना करने आता है, हम बस प्रार्थना में इतना ही बोलते हैं ऊपर की तरफ देख करके, जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो सब कुछ है, बस। और पादरी का मुंह खुला का खुला और
फिर खिलखिला के वो हंस दिए। ये कोई प्रार्थना है? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो सब कुछ है, ये कोई प्रार्थना है? वो बेचारे फिर शर्मिंदा हो गए कि हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए। बड़े ही शर्म से वो उन्हें हाथ जोड़कर विदा किए। अब पादरी अपने पूरे अहम से भरा हुआ, पूरे ईगो से भरा हुआ वापस जाते हैं और अपनी नाव में बैठ करके बढ़ने, अपने पाजे गाजे के साथ नाव में बढ़कर बैठने लगते हैं। अब वो कुछ आगे बढ़े ही थे नदी में, अब नदी को तो पार करके ही जाना था ना, क्योंकि नदी तो काफ़ी चौड़ी थी, ये इस किनारे में चार उस किनारे में, तो नदी में वो निकल गए अपनी नाव में बैठकर। इतने में इन तीनों सन्यासियों में से एक सन्यासी को दिमाग आया कि भाई हम तो बेवकूफ़ों वाली प्रार्थना करते हैं, इन्होंने हमें बताया है अभी, तो असली प्रार्थना क्या होती है हमें तो ये पता ही नहीं, हम आज तक गलत प्रार्थना कर रहे थे। और ये सोचकर वो तीनों सन्यासी पहले उधेड़ बुन में लगे और फिर पादरी के पीछे दौड़ने लगे, और दौड़ते 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 आवाज़ दिया कि बड़े साहब हमें प्रार्थना तो बताते हुए जाइए। और पादरी ने देखा कि ये दौड़ते हुए पानी में, नदी में दौड़ते हुए चले आ रहे, और इस बार पादरी का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। इधर खुला नहीं, सिर्फ खुला का खुला रह गया कि ये तीनों पानी में दौड़ते हुए आ रहे हैं, इन पर कैसी कृपा है, ये कैसा चमत्कार है, ये चमत्कार तो स्वयं जीसस ने करके दिखाया था, और आज ये अनपढ़ गंवार सन्यासी इतना बड़ा काम ही ऐसे ही कर ले रहे हैं। वो दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, और आ करके नाव में हाथ रख करके फिर हाथ जोड़कर फिर नतमस्तक होकर फिर झुककर बोलते हैं कि असली प्रार्थना तो बता दीजिए, ये हम असली प्रार्थना हमें क्या करना है ये तो समझा दीजिए, हमें नहीं आता कि प्रार्थना कैसे करते हैं। और बस ये मोमेंट था कि पादरी को अपना सारा अहंकार, सारा घमंड चूर चूर होता हुआ दिखाई दिया, उसे धर्म ग्रंथ की असली उपदेश याद आ गए, परमात्मा सबके हैं, सबके साथ हैं, सभी जगह हैं और सबके लिए हैं। बस अब सिर्फ वही होना था जो आप समझ चुके हैं। पादरी हाथ जोड़कर उनके सामने झुके और उन्होंने असली प्रार्थना बोलकर बताई, जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो सब कुछ है। बात समझ में आई? सीधी बात ये है दोस्तों कि हृदय से निकली हुई प्रार्थना, परमात्मा के लिए हृदय से निकली हुई प्रार्थना ही असल प्रार्थना है। शब्द तो केवल भाव को जगाने का काम करते हैं भाई, है ना, कि शब्द भावनाओं को जगाते हैं, शब्द प्रार्थना नहीं है, अगर शब्द नहीं भी है तो भी प्रार्थना है, शब्द नहीं भी है तो भी अंदर से भाव उठ रहे हैं वो प्रार्थना है। आपके अंदर की करुणा, आपके अंदर की सहजता, आपके अंदर की दया, आपके अंदर का प्रेम ही आपकी प्रार्थना है, और यही प्रार्थना जब निकलती है तो शब्द कुछ भी हो, शब्द कुछ भी हो, प्रार्थना वहां तक पहुंचेगी और वहां से जवाब भी आएगा और शक्ति भी आएगी। ये कहानी तो खैर ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हर धर्म का सच है, क्योंकि हर धर्म में हमें परमात्मा से जुड़ना ही सिखाया गया है। दोस्तों याद रखना कि हम अलग अलग धर्म को बस इस तरह से देखें कि वहाँ पहुँचने का अलग अलग रास्ता है, जैसे कि गणित मैथ्स में होता है ना, एक सवाल को हल करने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो कोई अलग तरीके से समझता है, कोई अलग तरीके से समझता है, तो हर धर्म एक ही है, और आखिर में परमात्मा तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का तरीका भी एक ही है। तो क्या समझे,
सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म करो, अपने आप को बिल्कुल परमात्मा के सामने सरेंडर कर दो, और उसके बाद जो अंदर से प्रार्थना निकलेगी, अपने आप को फ्लो स्टेट में जब आप लेकर कहेंगे, फ्लो स्टेट मतलब कि डिवाइन ऑर्डर पे बहता हुआ स्टेट में जब अपने आप को छोड़ देंगे, समय की धारा में अपने आप को छोड़ देंगे, और उसके बाद प्रार्थना करेंगे, तो ही वो प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचेगी। फिर भले ही आप कितने भी मंत्र जान लो, तंत्र जान लो, कितने भी अच्छे अच्छे शब्दों से प्रार्थना कर लो, कोई काम का नहीं। आया समझ में? तो आज का अध्याय इतना ही था। क्या सीखा कमेंट पे जरूर बताना, और अपनी प्रार्थनाओं का सही उपयोग करना। ठीक है जी, नमस्ते है जी।